टेक्स्ट बुक पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, MCQs की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए उस पर जोर नहीं देते। ये नहीं कि एक में पोइट्री लिख दी है तो तीनों में पोइट्री लिख दी है, नहीं, इससे बहुत मतलब नकारात्मक असर पड़ता है। आप तीनों में निबंध लिखने की जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको यूज कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। कि आप अपना कंटेंट कम रखिए, कम किताबों का यूज कीजिए, उनको बार बार पढ़िए। ज़्यादा किताबें यूज करेंगे, नए मटेरियल का दोहराव करेंगे तो आपके पास क्या है कि एक्सेस हो जाएगी सभी चीज़ों की, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जय हिंद दोस्तों, क्या आप RO/RO की तैयारी कर रहे हैं या आप RO/RO परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, परीक्षा किस तरीके से होती है, क्या परीक्षा का एक पैटर्न होता है और हम किस तरीके की रणनीति अपनाएं, क्या प्री के लिए रणनीति अपनाएं, क्या मेंस के लिए और किन बुक्स को फॉलो करें और क्या एक प्रॉपर हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो सब हम जानने के लिए आज एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो स्वयं 2021 की भर्ती में सचिवालय में RO के पद पर तैनात हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि क्या उनकी तैयारी की एक रणनीति रही थी और किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी थी, क्या बुक्स को फॉलो किया था। तो मैं स्वागत करता हूँ राघवेंद्र सिंह सर का। तो सबसे पहले सर आपका परिचय बताइए। जी, मैं राघवेंद्र सिंह जनपद झांसी का निवासी हूँ। तो वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय के गृह विभाग में समीक्षा अधिकारी पद पर तैनात हूँ। मेरा चयन 2021 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में 68 रैंक के साथ हुआ है। मैंने अपनी जो शिक्षा हुई है स्नातक से अगर आरंभ करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उसके बाद मैंने अपना प्रस्नातक लोक प्रशासन से किया है इग्नू से। लोक प्रशासन विषय में मैं GRF हूँ। मैंने कुछ समय के लिए क्या कहते हैं अपना PhD भी कंटिन्यू किया था, उसको ड्रॉप किया। वर्तमान समय में जहाँ पे मैं हूँ तो एक नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए। यहाँ पे रोज़गार के अवसर अच्छे हैं, प्रतिष्ठा बहुत है, यहाँ पे अच्छी जगह है। जो व्यक्ति यहाँ पे जो छात्र हैं आना चाहते हैं उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए और मैं सभी नए अभ्यर्थी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने मन से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। तो आपकी 68वीं रैंक थी जी और 2021 बैच के आप सेलेक्टेड हैं जी, तो क्या आपकी एक तैयारी की रणनीति रही थी, किस तरीके से आपने प्रॉपर तैयारी करी थी? तैयारी के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है, जो मैं मानता हूँ अपने व्यक्तिगत रूप से, जो मुझे लाभ पहुँचाता रहा है अभी तक कई मतलब समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में नहीं और भी जो अन्य परीक्षाएँ हुई हैं उनमें, कि आप अपना कंटेंट कम रखिए, कम किताबों का यूज कीजिए, उनको बार बार पढ़िए। ज़्यादा किताबें यूज करेंगे, नए मटेरियल का दोहराव करेंगे तो आपके पास क्या है कि एक्सेस हो जाएगी सभी चीज़ों की, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। चीज़ों को थोड़ा रखिए, लिमिटेड रखिए, अच्छा कंटेंट रखिए, उसको बार बार पढ़ते जाइए, अवश्य सफलता मिलेगी। और एक और है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो मैंने देखा है अपने साथियों को देखा और नए जो मैं नए अभ्यर्थियों को देखता हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, MCQs की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए उस पर जोर नहीं देते। तो नए अभ्यर्थियों को ये करना चाहिए कि कम से कम प्रारंभिक परीक्षा जिस दिन हो उससे पहले उनको कम से कम 5,000 से लेके 10,000 तक MCQs सॉल्व करने चाहिए, ताकि उनको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होती है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है नेट प्रैक्टिस होती है, तो उनको बहुत लाभ होता है इस चीज़ का, बस मतलब करना ही चाहिए उनको। तो ये MCQ वाला पैटर्न तो प्री तक रहता है, मेंस में भी रहता है, दो पेपर मेंस में जो आते हैं, एक GS का, वो भी MCQs आते हैं उसमें। हिंदी आती है 60 नंबर की मेंस में, वो भी MCQs आते हैं। और बाकी जो 120 नंबर की आपकी ऐसे पूछे जाते हैं तीन, और 100 नंबर की जो कन्वेंशनल हिंदी है वो अलग है, इसका साथ में मतलब पेपर इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपकी प्री की तैयारी कैसे रही थी? प्री की तैयारी के लिए मैं चूँकि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए 2016 से 15 से तैयारी कर रहा हूँ, तो जो मेरा बेस था वो ठीक ठाक मतलब रहा है। एग्ज़ाम से पहले मैंने जो अपना जोर दिया UP स्पेशल जो होता है और करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा मैंने जोर दिया, और जो सेंसस आता है उस पर खैर वो नहीं पूछा गया लेकिन उसको मतलब अभ्यर्थियों को पढ़ना चाहिए, काम वो आता ही है। मैंने एग्ज़ाम से पहले एक महीने से तक मतलब एग्जाम जिस दिन परीक्षा की जो डेट थी प्रारंभिक परीक्षा की उस तक मैं लगभग क्या कहते 5,000 से 7,000 तक MCQs सॉल्व कर चुका था। प्रत्येक मतलब जैसे हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, तो मैंने अलग अलग इनके लिए टेक्स्ट बुक ली और उन पर मैंने क्या कहते काम किया काफ़ी, उसका मुझे काफ़ी फायदा प्राप्त हुआ है। और मेंस के लिए किस तरीके की रणनीति आपने अपनाई थी? मेंस के लिए आप देखें कि जो ऐसे का पेपर आता है 120 नंबर का, वो काफ़ी डिसाइडिंग होता है। उसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो भी सेगमेंट हैं तीन, आप उनमें देखें बार बार कि कौन सा पेपर का जो एक नेचर होता है, जो रिपीट होता है, कोर होता है एग्ज़ाम का, ऐसे के पेपर में आप देखेंगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो प्रत्येक जैसे तीन पार्ट होते हैं उसमें, तीन में से प्रत्येक एक विषय का ऐसे पूछा जाता है जो आपको लिखना होता है, प्रत्येक ऑप्शन में आपको तीन दिए जाते हैं उसमें, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना चाहिए, जो रिपीट हो रहे हैं या उस सब्जेक्ट के इधर उधर जो चीज़ें मतलब पूछी जा सकती हैं उनसे संबंधित आपको क्या करना है कि किसी फेमस व्यक्ति का कोई कोटेशन हो गया, किसी अगर जैसे लिटरेचर पे लिख रहे हैं तो उर्दू साहित्यकार का कोई शेर हो गया उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, या एक ऐसे लिखने की विधि होती है स्टोरी टेलिंग होती है छोटी सी उसमें जिसमें दोनों साइड को दिखा दिया जाता है, कई उसके ऐसे लिखने के तरीके हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एक एक कोशिश करनी चाहिए अभ्यर्थियों को जब वो परीक्षा हॉल में बैठे ऐसे लिख रहे हों तो तीन ऐसे लिखने होते हैं तो आप उनमें क्या करें कि तीन अलग अलग तरीके से ऐसे लिखें, ये नहीं कि एक में पोइट्री लिख दी है तो तीनों में पोइट्री लिख दी है, नहीं, इससे बहुत मतलब नकारात्मक असर पड़ता है। आप तीनों में निबंध लिखने की जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको यूज कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। अच्छा, इसके लिए ऐसे के लिए कोई बुक्स आपने रेफर की? ऐसे के लिए आप निबंध दृष्टि यूज कर सकते हैं, दृष्टि की काफ़ी अच्छी है। मैंने ऑनलाइन जो कंटेंट मिलता है उसको ज़्यादा यूज किया है, जैसे मुझे उर्दू लिटरेचर का काफ़ी शौक है तो रेखता एक प्लेटफॉर्म है, हिंदी भी एक प्लेटफॉर्म है, इनको मैं नोट करता जाता हूँ उनको। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये तो आपका ऐसे इसका हो गया, और बुक्स प्री के और मेंस के लिए इसके अलावा कोई और बुक्स? प्री के लिए आप यूज कर सकते हैं घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पुनरावलोकन आता है उसको MCQ उसके लिए सॉल्व कीजिए, और स्टडी IQ पब्लिकेशन ने अभी किताबें निकाली हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे उनका ज्योग्राफी का आता है, इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आता है, अलग पॉलिटी का अलग आता है, काफ़ी अच्छी किताबें हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा क्या, एक चूंकि अब 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है तो कुछ चीज़ें बदली भी होंगी, तो उनके हिसाब से जो आने वाले अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें और क्या एक स्ट्रेटजी लेकर चलें कि एग्ज़ाम तक श्योर शॉट उनका चयन हो सके, चयन के लिए तैयारी करें? जी देखिए, पिछले 5-6 साल में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो भी सिलेबस है उसमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो उनका पेपर जो सेट करने का तरीका है उसके प्रति उनका अप्रोच बदला है। जैसे आप शुरुआत में देखेंगे तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे जो बुलेट फॉर्म में क्वेश्चन होते थे, वन लाइनर जिनको बोलते हैं, अब इन्होंने क्या कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं काफ़ी हद तक, और उसका जो रेशियो रहता है जैसे 2021 की परीक्षा में प्रारंभिक में और मेंस में दोनों में आप देखेंगे कि जो रीजनिंग के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे उनकी इन्होंने मात्रा काफ़ी बढ़ाई है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यर्थियों को अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, लूसेंट से नहीं हो सकता कुछ, जो फर्रे पड़ के हो जाता है उससे कुछ नहीं हो सकता, अब ये है आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, उनको जब पढ़ेंगे तो ऐसी सफलता मिलेगी। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी उस दौरान? टेस्ट सीरीज मैंने काफ़ी कोचिंग की यूज की है, मार्केट में मिल जाती थी तो मैं खरीद के लाता था, या जो बुक्स आती हैं जिसमें MCQ दे रहते थे तो मैंने वो खरीदी और मैंने लगाए, खूब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लगाना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उससे आपको एक काफ़ी अच्छा अनुभव हो जाता है। और ये होता है ना नए अभ्यर्थियों को कि दिक्कत होती है, जो स्ट्रेस होता है ना पहली बार एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो समस्या आती है, तो उसके लिए क्या है उनको जब वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, एक उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तो जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह अभ्यर्थियों को बहुत हेल्पफुल होते हैं और उनको यूज करना ही चाहिए उनको। बिल्कुल, जैसा कि आरंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में दोनों में। बिल्कुल, जैसा कि एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि स्ट्रेस रहता है विद्यार्थियों को, तो किस तरीके से मैनेज करें विद्यार्थी स्ट्रेस के लिए? अभ्यर्थियों को ये करना चाहिए जो उनको क्वेश्चन आते हैं सरल हैं, देखिए 2 घंटे का आपको समय मिलता है, मोर देन सफिशियंट होता है, हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आया उस पर सबसे ज़्यादा समय हम अपना बर्बाद करते चले जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, पेपर उठाइए, आपको शुरू के 20 मिनट में 25 मिनट में जो क्वेश्चन आते हों जिनमें आप श्योर हों पूरा पेपर पढ़ डालिए, उनको लगा डालिए, और उसके अगले 10 मिनट में जितने आपको गोले भरने हैं उन क्वेश्चन के जो आपने कर आ गए हैं उनके भर डालिए, उसके बाद वो क्वेश्चन जिसमें आप पूरे तरीके से श्योर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है उनको क्या कहते हैं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अंत में जो समय मिलता है 1 घंटा लगभग टाइम मिल जाता है उसमें आप 45 मिनट भी अगर टाइम मिलता है तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो 15-17 क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं आराम से सॉल्व हो जाते हैं, उनको करना चाहिए पहले, लेकिन वही करें जो सरल क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, नहीं तो कठिन क्वेश्चन पे अगर दिमाग लगाएंगे तो जो आपको आता है वो भी चला जाएगा, उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो आता है वो भी चला जाएगा वो चला जाता है।
तो अब एक आखिरी संदेश क्या आप देना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए संदेश यही है कि जो एक टेंडेंसी देखी जाती है आमतौर पे, जो पढ़ने वाला समुदाय है जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें छात्र आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, पुराना पैटर्न कहते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है हम 15 घंटे पढ़ लेते हैं, घंटों से कुछ नहीं होता है, घंटे के हिसाब से कभी मत पढ़िए, कंटेंट को इतने कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको टारगेट कीजिए। जैसे मान लीजिए पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठे हैं, कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक हो, मैं नहीं कह रहा हूँ इस पब्लिकेशन की ये वो, कोई भी किताब हो आपके पास, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, 20 दिन टारगेट सेट कीजिए, 20 दिन में हमको ख़त्म करना है, अगले 5 दिन में उसका रिविज़न करना है, ठीक। इस तरीके से टारगेट में आप किताबों को ख़त्म करने का या कंटेंट को ख़त्म करने का जब टारगेट बनाएंगे फायदा देता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल सही बताया आपने, मतलब मेन ये कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। घंटे नहीं गिनने हैं, घंटे गिनने से कुछ नहीं होता है। बाहर मान लीजिए 4 लोगों में खड़े हुए हैं तो इज्जत बढ़ रही है, वो कुछ नहीं होता, आप कंटेंट ख़त्म करने पे ध्यान दीजिए, वो फायदा देता है। तो हमारे साथ थे राघवेंद्र सिंह सर, जो कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया।